तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि मैंने रॉटविलर क्यों लिया, क्या रीज़न रहा मेरा एक रॉटविलर डॉग ब्रीड रखने का, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको एक रॉटविलर जैसी डॉग ब्रीड लेने के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने रॉटविलर लिया क्यों, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी रहा है कि मेरी फैमिली के अंदर शुरू से रॉटविलर रहे हैं, आज से नहीं 20-30 साल पहले से रॉटविलर रहे हैं। मैंने बचपन अपना रॉटविलर के साथ बहुत ज़्यादा बिताया है, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि एक रॉटविलर को कैसे रखना चाहिए और रॉटविलर रखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने देख के ही रॉटविलर रखा। फिर दूसरी बात, मेरे पास और भी ऑप्शन थे, लाइक जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलानोइज, डॉबरमैन और पिटबुल, ये चार डॉग और देख रहा था मैं, और इनके साथ ये रॉटविलर था। लेकिन ये जो बाकी के डॉग थे, ये कहीं ना कहीं मेरी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। अब क्या वो रिक्वायरमेंट थी कि मैंने इनको स्किप किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे मैंने ये मेरा रॉटविलर लिया, इसका ये एक मेन डॉग है, पपी है, इसका नाम है रोमी। रोमी सिट डाउन, सिट डाउन, वेट, हाय बोलो सबको, हाय। तो रॉटविलर मैंने लिया, इससे पहले मैंने बताया कि मैंने चार ब्रीड और देख रहा था, जिसमें डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलानोइज और पिटबुल था। अब रीज़न ये था कि मुझे जो डॉग रखना था वो फैमिली में रखना था, ठीक है। तो उस कारण तीन डॉग तो जो थे, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलानोइज, वो तो ठीक थे, लेकिन पिटबुल कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है कई कई केसेज में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अवॉइड करना सही समझा। उसके बाद आ जाते हैं ये जो तीन डॉग ब्रीड थी, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड या बेल्जियन मेलानोइज, तो इनकी जो एक्सरसाइज नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मेरा कई कई बार इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ कि एक डॉग को चार चार पाँच पाँच घंटे वॉक करवा सकूँ। अब ये रॉटविलर है, रॉटविलर को अगर आप डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम में वॉक करवाऊंगा और इसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो ये कंफर्टेबली मेरे घर में रह लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात आती है कि आप इसको जैसा रखोगे ना, ये वैसा बन जाएगा। बाकी सारे डॉग अच्छे से ट्रेंड होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो अपने ओनर के लिए एक्सट्रीमली लॉयल है, एक्सट्रीमली लॉयल है। हर किसी के लिए एक अलग डॉग ब्रीड लॉयल हो सकती है, हर किसी के लिए एक अलग डॉग ब्रीड गार्ड डॉग अच्छी हो सकती है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा गार्ड डॉग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंडियन डॉग ब्रीड बहुत अच्छी गार्ड डॉग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए रॉटविलर बहुत अच्छा गार्ड डॉग है। अब रॉटविलर हमने लिया, जब हम रॉटविलर सर्च कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमने सर्च किया, तो काफ़ी सारी ब्लड लाइन्स आ गई थी कि हाँ ये लाइन का आप रॉटविलर ले लो, ये ले लो, लेकिन जेन्युइन रॉटविलर हमें कौन सा लेना चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान रखें, एक अच्छे ब्रीडर से लेने हैं। अब जो रॉटविलर छोटे होंगे उनका हमें मालूम नहीं पड़ेगा वो किस टाइप के बच्चे बनेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि नॉर्मली बेसिक में बता दूं, कभी भी दुगला पतला बच्चा नहीं लेना। वो क्या होता है कि नेचर वाइज थोड़े एग्रेसिव होते हैं और इन फ्यूचर आपको थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, और आप जैसे इमेजिनेशन करते हो कि मेरा रॉटविलर इतना अच्छा बनना चाहिए, इस हिसाब से बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेजिनेशन है पूरी नहीं हो पाती। तो हमेशा हैवी बोन का अच्छा बच्चा लीजिए, ठीक है, एक्टिव बच्चा लीजिए। अब जैसे ये रॉटविलर है, इसका खाने का टाइम हो रहा है, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसका खाने का टाइम हो रहा है, इसलिए ये बार बार बार्क कर रहा है कि मुझे खाना चाहिए। और ये जब मैंने रॉटविलर लिया, तो जैसे मैंने बताया काफ़ी ब्लड लाइन चल रही हैं, एक टिमिटोर भी है और भी काफ़ी ब्लड लाइन है, लेकिन मुझे एक जेन्युइन एक हेल्दी रॉटविलर चाहिए था। तो जो जेन्युइन हेल्दी और ओल्ड टाइप के रॉटविलर होते हैं वो जर्मन रॉटविलर होते हैं। तो एक जर्मन रॉटविलर है, प्योर जर्मन रॉटविलर है, ठीक है। इसकी बॉडी में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी फेस की स्किन लूज है या कहीं से ये लूज हो रहा है ना, जैसे खाल लटक जाती है, मैस्टिफ टाइप के डॉग बन जाते हैं, ये उस टाइप का डॉग नहीं है, ये एक परफेक्ट शेप वाला डॉग बनेगा। और इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से कनेक्ट हैं, वो जब भविष्य में देखेंगे कि जब ये डॉग बड़ा हो जाएगा, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन जर्मन रॉटविलर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिमिटोर लाइन के रॉटविलर को भी जर्मन रॉटविलर बोल देते हैं, या कुछ ऐसे रॉटविलर जिनका पंच फेस होता है, रिंकल्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें भी बोल देते हैं कि ये ओल्ड लाइन के रॉटविलर हैं, जो एक सही रॉटविलर नहीं होते, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलानोइज, इनसे ज़्यादा फैमिलियर डॉग माने जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि रॉटविलर कई कई बार थोड़े गुस्सैल डॉग भी मानी जाती है। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के अंदर तो लोगों का मानना यही है कि रॉटविलर थोड़ा गुस्सैल है और ये जो तीन ब्रीड मैंने बताई ये नहीं है इतनी, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जर्मन शेफर्ड भी रखा और डॉबरमैन भी रखा है और ये रॉटविलर भी रखे हैं, तो रॉटविलर मेरे पास इतने अच्छे से रहे हैं, इतने अच्छे फैमिली डॉग बन के रहे हैं, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हुए। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो आज रॉटविलर वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेंडिंग डॉग ब्रीड है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डॉग ब्रीड है। ठीक है, डिपेंड करता है आप इस ब्रीड को किस तरीके से रख रहे हो। अब इसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं थोड़ा आपको बताऊँ, रोमी कम इधर आओ, चलो इधर आओ, सेट डाउन कम सेट डाउन बिस्किट के साथ ट्रेनिंग, सेट डाउन, हेलो हेलो अगेन, हेलो नो एट। तो अगर ये बेसिक ट्रेनिंग भी आप अपने रॉटविलर को दोगे तो यकीन मानिए वो फैमिली में बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होगा, कहीं भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस समय इसका खाने का टाइम हो रहा है इसलिए बार बार बार्क कर रहा है कि मुझे खाना दो। ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियो शूट अच्छे से नहीं करने दे रहा है। हम इसकी जर्नी को देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको ग्रूम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको डाइट दे रहा हूँ। मोस्टली आपको इससे रिलेटेड ही वीडियो मिलती रहेंगी। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इस डॉग से मिलते रहिए, इस डॉग को जानते रहिए। ये रॉटविलर, इसका जो नाम है, इसका नाम मैंने रोमी रखा है, और मुझे बताइएगा कि ये नाम कैसा है। और यदि आपको भी कोई नाम अच्छा लग रहा हो तो मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। हो गया।